आज हम टॉपिक देखने वाले हैं लोकल एनास्थेटिक्स। तो लोकल एनास्थेटिक्स क्या है? दीज आर द ड्रग विच डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पेन इन अ पर्टिकुलर एरिया और एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। इसको बोला जाता है लोकल एनास्थेटिक। तो लोकल एनास्थेटिक्स में आज हम नए टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें लिग्नोपेन देखने वाले हैं, बेंजोपेन, एंड नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल एनास्थेटिक एंड जनरल एनास्थेटिक। तो टुडे स्टार्ट विद द लिग्नोपेन। तो व्हाट इज द लिग्नोपेन? लिग्नोपेन का सेकंड नाम ज़ाइलोपेन भी है। क्यों इसको ज़ाइलोपेन बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइलिडीन न्यूक्लियस। तो ये ज़ाइलिडीन न्यूक्लियस क्या है? तो अगर मैं यहाँ से रिंग को बाइफर्केट करती हूँ तो सिक्स नंबर रिंग हैविंग अमाइनो एंड CH3, इसको बोला जाता है ज़ाइलिडीन, XYLIDIN, ज़ाइलिडीन। तो अगर ये ज़ाइलिडीन पैरेंट न्यूक्लियस है तो फर्दर अटैचमेंट क्या रहेगा? तो फर्दर अटैचमेंट इज द, यहाँ पे नंबर मैं 1 दूंगी और यहाँ पे 2 दूंगी। तो ये हो गया 2 डाइथिल अमाइनो। डाइथिल मतलब CH5, मतलब इथाइल, दो बार इसके डाइथिल अमाइनो। फिर इसको क्या बोलेंगे? C डबल बॉन्ड और CH2 को एसिटिल बोलेंगे। तो एसिटिल। और लास्ट इज द पैरेंट न्यूक्लियस, दैट इज द ज़ाइलिन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल में कैसा रहेगा? 2 पे क्या है? डाइथिल अमाइनो। ये किसके ऊपर अटैच है? एसिटिल के ऊपर, एसिटिल। एंड लास्ट इज द पैरेंट न्यूक्लियस। तो पैरेंट न्यूक्लियस में ज़ाइलिन के जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन से नंबर पर अटैच है तो वो भी लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 1-2-3-4-5-6 नंबरिंग देती हूँ। तो ये लिखेंगे 2-6-ज़ाइलिडीन। तो इस तरीके से ये केमिकल नेम होगा। फिर सेकंड टाइप ऑफ केमिकल नेम देखेंगे, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें हम एसिटा अमीडो इज अ पैरेंट न्यूक्लियस लेंगे। क्या लेंगे? एसिटा अमीडो, मतलब सी डबल बॉन्ड हो CH2 एंड उसके साथ NH। तो एसिटा अमीडो इज अ पैरेंट न्यूक्लियस। फिर एसिटा अमीडो पे क्या क्या अटैच है? तो फर्स्ट पे ये 6 नंबर रिंग के साथ 2 और 6 पे इथाइल ग्रुप अटैच है और सेकंड पे वही ग्रुप है, दैट इज अ डाइथिल अमाइन। तो फिर हम पैरेंट केमिकल नेम अगेन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एसिटा अमीडो इज अ पैरेंट न्यूक्लियस। तो उसके नंबर 1 पोजिशन पे लिखेंगे 1। क्या है 1? ब्रैकेट बनाएंगे 2-6-डाइमिथाइल। मिथाइल है CH3, इसलिए डाई मिथाइल, दो बार इसलिए डाई मिथाइल फिनाइल, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर 2 पे क्या है? तो अगेन 2-डाइइथाइल अमाइनो। और लास्ट में पैरेंट न्यूक्लियस क्या है? एसिटा अमीडो या एसिटा अमाइड, AMIDE, एसिटा अमाइड। तो ये सेकंड टाइप का केमिकल है। ओके, फिर देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोरेज। तो दीज आर द ड्रग विच अवेलेबल इन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, इसलिए व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगा, बिटर इन टेस्ट रहेगा, सोल्यूबल इन वाटर भी है क्योंकि सॉल्ट फॉर्म में है। स्टोरेज उसका बहुत सिंपल है, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। देन यूजेस, तो यूजेस क्या है? पहला, इट इज अ लोकल एनास्थेटिक। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लोकल एनास्थेटिक होने के कारण ये माइनर सर्जरीज में यूज किया जाता है। तो इसलिए इट इज यूज फॉर द डेंटल एनालिसिस या डेंटल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर द नर्व ब्लॉक, अगर आपको बर्न हुआ है, बर्न ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो नर्व ब्लॉक, नर्वस सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। देन इट इज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट देन दोज ऑफ द प्रोकेन। जो इसका सेकंड ड्रग है, पहला ड्रग है प्रोकेन, उससे भी ज्यादा पोटेंट रैपिड एक्शन इसमें है। देन इट इज ऑल्सो गिवन इंट्रामस्कुलरली फॉर द कार्डियक अरिथमिया। इसमें पर्टिकुलर हार्ट के भी एक्शन है तो इसलिए कार्डियक अरिथमिया में इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारे यूजेस देखे। नेक्स्ट, इसके फॉर्मुलेशन क्या अवेलेबल है? तो लिग्नोपेन एंड हाइड्रोक्लोराइड तो अवेलेबल है, साथ में लिग्नोपेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन भी अवेलेबल है क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक में हमको फास्टर रिलीफ चाहिए, इसलिए इंजेक्शन फॉर्म में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम, टोटेक, ज़ाइलोकार्ट, देखो ज़ाइलोपेन के नाम से ज़ाइलोकार्ट, ऑटोसिल, देन एनोवेट, इस तरीके से ब्रांड नेम में ये अवेलेबल है। लिग्नोपेन के जैसा सेकंड ड्रग है बेंजोपेन, इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूजर्स के लिए क्वेश्चन आता है और साथ में फॉर्मुलेशन के लिए क्वेश्चन।
असल में इसको यूज किया जाता था टैबलेट फॉर्म में, बेंजोपिन ऑइंटमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है अगर आपको एक्सटर्नल सरफेस पे कुछ इचिंग हो रही है तो वहां पे ऑइंटमेंट लगाने के लिए, एंड बेंजोपिन आईपीपीपी में वो फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने लोकल एनेस्थेटिक में तीन ड्रग कवर किए, प्रोकेन, लिग्नोकेन एंड बेंजोपिन। नियर अबाउट सभी के यूजेस सेम है, एटलीस्ट 5 यूजेस आपको लर्न करना है। इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक, इट इज यूज फॉर द माइनर सर्जरी लाइक द डेंटल एनेस्थेसिया, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ द ईयर, नोज, आई, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट फॉर द कार्डियक अरिथमिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट हैविंग अ पोटेंट एक्शन एंड प्रोकेन, अगर आप लिग्नोकेन की बात कर रहे हो तो पोटेंट एक्शन है ना प्रोकेन है कभी, और नेक्स्ट प्रोकेन में यूज कर सकते हो इन द कॉम्बिनेशन विद द एड्रेनालिन इन सस्टेन द एनालिसिस पीरियड। देन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक पेन, अल्सर, वुंड्स, इसके पेन के रिलीफ के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ऐसे 5 चीजें आपको इसमें लर्न करनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक। तो क्या है पहला है, इट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन ओनली। लोकल एनेस्थेटिक कहाँ पे काम करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन करता है, लेकिन कहाँ, जहाँ पे साइट है, जैसे अगर मेरे हाथ को अगर कुछ जर्न हुआ है, यहाँ पे मैंने इंजेक्ट किया, तो पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन विल बी लोकेटेड। बट जनरल एनेस्थेटिक क्या करता है, इट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन अकॉम्पनीड बाय रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल लॉस ऑफ मतलब लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन होता है, बट रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस, एंड देन जब डोज का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो कॉन्शियसनेस रिवर्स होता है। इसलिए उन्होंने बोला है प्रोड्यूस लॉस ऑफ पेन बट रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड, इसमें क्या होता है, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोपेगेशन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे पिन चुबाई तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेगेशन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स होगा, है ना, मतलब यहाँ पे पिन लगाई तो नर्व क्या होंगे, जनरेट करेंगे इंपल्स, वो सेंटर नर्वस तक जाएगा, फिर मैं देखूंगी कि हाँ यहाँ पे पिन चुभी है, तो वो जो सेंसेशन है उसको वो ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट करता है, जो सेंसेशन को जनरेट होने से इनहिबिट करता है, कौन, लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ पे क्या होता है, इट एक्ट बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस बाय नॉन स्पेसिफिक टाइम, डायरेक्टली टोटली सेंटर नर्वस सिस्टम को ही वो डिप्रेस करता है, मतलब कहीं पे भी बॉडी पे कुछ भी सेंसेशन नहीं रहेगा, टोटली सेंटर नर्वस सिस्टम आपकी डिप्रेस होगी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज फॉर डेंटल एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया डेंटल एंड माइनर सर्जरी में इसको यूज किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक कहाँ यूज करता है, मेजर सर्जरीज में, इट इज यूज फॉर द मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। यूजेस सॉरी एग्जाम्पल, प्रोकेन, बेंजोपिन, लिग्नोकेन, इसके एग्जाम्पल है। जनरल एनेस्थेटिक के हैलोजन, साइक्लोप्रोपेन, डाइथाइलिनर, ये एग्जाम्पल्स। तो क्या क्या पॉइंट्स है, पहला इट अप्लाई ऑन द साइट ऑफ एप्लीकेशन, ये क्या करता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन अकॉम्पनीड बाय रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है जनरेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व्स इंपल्सेस, और ये क्या करता है, टोटली सीनस को डिप्रेस करता है। यहाँ पे यूज कहाँ होता है, डेंटल एंड माइनर सर्जरीज में, जनरल एनेस्थेटिक मेजर सर्जरीज में। एग्जांपल्स आर प्रोकेन, बेंजोकेन एंड लिग्नोकेन, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, हैलोजन एंड डाइथाइलिनर। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, देखा लिग्नोकेन का स्ट्रक्चर जिसको ज़ाइलोकेन भी बोला जाता है, उसका ब्रांड नेम आपको ज़ाइलोकार्ड याद रखना है। देन प्रॉपर्टी, स्टोरेज, यूजेस देखा, यूजेस पॉइंट हमने बेंजोपिन के भी यूजेस देखे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक। ओके, थैंक यू।